वेलकम बैक टू माई चैनल आर के स्टोर्स। मैं हूं रूबी और गाइस अभी हो गया है मॉर्निंग का 8 बज गया है और मैं उठ गई हूं। एंजल उठ गई है, एंजल ब्रशेस कर रही है और बस गाइस उठकर अभी एंजल का लंच प्रिपेयर करने के लिए जा रही हूं और मेरे साथ साथ उठ गया है मेरा आर बेबी। ये देखो सुबह से अगर मैं 7 बजे उठती हूँ तो 7 बजे मेरे साथ में उठेगा और अगर मैं 8 बजे उठूंगी तो 8 बजे आर बेबी मेरे साथ में उठेगा। और ये देखो उसकी कैसी हालत हो रही है। कल ना रात को इसके पापा ने इसको मूंछें बनाई थी तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। मार्केट से मुच्ची मुच्ची बना देती है आर्यन की ना। अरे आरु आरु क्या हो गई, खाएगी खाना, खाओगी खाना, खाओगी बेटी बेटी सुंदरची बेटी है मेरी, सुंदरची बेटी है। बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं सच में, है ना। हाँ ये देखो, ये देखो आर्यन आ गया, मेरे फैसला भी बोल रहा है मुझे इसको गोदी में लेना है। तो चलिए गाइस ब्लॉग पर बने रहिए, मैं जल्दी से एंजल का नाश्ता वाश्ता रेडी कर देती हूँ और अपने आर्यन बेबी को ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस यहाँ बन गई है हमारी चाय एंजल के लिए और ये रखा हुआ है बनाना शेक, ये मैंने एंजल के पापा के लिए बनाकर रखा हुआ है। तो बस ये मेरी चाय होती है तो एंजल को सेकती हूँ पाव और एंजल का लंच मैंने बना दिया है। लंच पे रखे हैं मैंने आज दाल चावल और यहाँ भर रही हूँ मैं एंजल के लिए पानी। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं इतनी सस्ती सी बोतल उसको दे रही हूँ क्योंकि जब से स्कूल स्टार्ट हुए तब से मैं एंजल को 4 बोतल चेंज करवा चुकी हूँ गाइस। वो 4 बोतल तोड़ कर ले आई है तो लास्ट में मैंने उसको ये कोक वाली बोतल दे दी है तो वो अभी ले जा रही है। मार्केट जाऊंगी तभी मैं उसके लिए न्यू बॉटल फिर लेकर आऊंगी। और एक बात अच्छी सी बता दूं मैं आपको कि मेरी एंजल बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है, जो सुबह उठ जाती है और उठने के बाद में अपने आप से रेडी होती है, ड्रेस पहनती है, बस मुझे उसे नाश्ता कराना पड़ता है क्योंकि बहुत धीरे धीरे वो नाश्ता करती है। बाकी वो बहुत ही प्यारी गुड गर्ल है। और यहाँ मेरी एंजल हो गई है रेडी और ये जा रही है स्कूल के लिए, कैब उसकी आ चुकी है तो वो जा रही है स्कूल। सो गाइस एंजल जा चुकी है अभी स्कूल और अब मैं जा रही हूँ बस फ्रेश व्रेश होने के लिए और फिर बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट और आर्यन को कराते हैं ब्रेकफास्ट। आज तो मुझे जाना है एंजल के स्कूल क्योंकि आज है एंजल की पेरेंट टीचर मीटिंग और आज वहाँ पर डिस्कस होने वाला है एंजल के स्कूल का परफॉर्मेंस। यानी अभी उसके प्री टर्म एग्जाम हुए थे। ओह पिछड़ गया, मेरे अपनी गाड़ी लेके ये ना अपनी गाड़ी लेके मेरे पैरों में चढ़ा करता है अपनी गाड़ी लेकर मेरे। सो गाइस आज प्रीटर्म एग्जाम 1 के टेस्ट पेपर्स शो करने वाले हैं स्कूल वाले तो बस वही दिखाने के लिए आज बुलाया है, पेरेंट टीचर मीटिंग है तो मुझे जल्दी जल्दी सारे घर का काम फिनिश करना है और फिर मुझे एंजल के स्कूल भी जाना है। और दो बच्चों के साथ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इनफैक्ट जबकि मैं अपने ट्रैवल ब्लॉग्स जो बनाती थी वो भी मैंने बहुत कम ही किया, वो तो मैंने छोड़ ही दिया है क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग ही अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही है गाइस, तो मैं क्या ये ट्रैवल ब्लॉग बनाऊँगी। सो गाइस यहाँ आ गया है मेरा नाश्ता, चाय, 2 पाव और आर्यन के लिए 1 बिस्कुट, वो भी दूध के साथ में। दूध नहीं है एक्चुअली, मैं चाय की भगोनी में मैं दूध डाल कर ले आई हूँ और बस एक क्रैक जैक का बिस्कुट डाला है क्योंकि बिस्कुट हो गए हैं ख़त्म आर्यन के। अभी मैं जाऊँगी तब मैं लेकर आऊँगी आर्यन के बिस्कुट। और ये रही आर्यन की पानी की निप्पल। सो नाश्ता वाश्ता हमारा डन हो चुका है मेरा भी और आरू बेबी का भी और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। और पीछे आप लोग मेरे कपड़े खुले देख रहे होंगे तो कपड़े खुले इसलिए है क्योंकि मैं उसमें अपने कपड़े चॉइस कर रही थी तो मैं लगाना भूल गई, लगा देती हूँ। इसको गाइस हमारे कपड़े ना टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। गाइस बस नाश्ता वाश्ता सब डन हो गया है और अब मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ। बट रेडी होने से पहले मुझे अपना वेट मीटर दिख गया है तो मैंने सोचा है कि अपना वेट चेक कर लेते हैं क्योंकि डाइट पर हूँ थोड़ी सी तो वेट लूज करने में लगी हुई हूँ तो अभी देखते हैं लेट्स सी कितना वेट हुआ है। सो 60-35 वेट है अभी और डेली चेक करती हूँ तो 59-60-61 3 वेट के एवरेज में ही आ रहा है अभी मेरा वेट। प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरा वेट 75 kg था, जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी लास्ट मंथ 9th मंथ में 75 kg था, उससे मैं 60 kg पर आई हूँ। और उसकी जर्नी अगर आप लोग चाहते हो मैं शेयर करूँ तो मैं ऑफकोर्स अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने वेट लूज़ कैसे किया है इतना और डाइट मेरी क्या रही है और जो भी कुछ था मैं सारा कुछ शेयर करूँगी। बट उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करना पड़ेगा अगर आप लोग मेरी डाइट जानना चाहते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए और आर्यन भी रेडी हो चुका है। आर्यन बेबी को मैं दिखा देती हूँ, ये रहा मेरा आर्यन बेबी। बस आर्यन भी रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ और बस अब हम लोग निकलते हैं स्कूल के लिए। अगर वहाँ से कुछ शूट कर पाती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, डेफिनेटली दिखाती हूँ।
और अगर नहीं शूट कर पाती हूँ तो फिर मैं लौट कर आकर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक ब्लॉग पर बने रहिए। वैसे एंजल के स्कूल से हम निकल कर आ गए हैं और उसकी आंसर शीट चेक कर रहे हैं। उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, बाकी मैं डिटेल आप लोगों को घर चल के बताऊंगी। तो बस अब यहाँ सर्कल से हम लोग करते हैं ऑटो और फटाफट से पहुँचते हैं अपने घर पर एंजल और आर्यन को लेके। फिर मिलती हूँ मैं आपसे घर पर। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और जस्ट घर आए हैं और बारिश इतनी तेज होने लगी है, वो तो अच्छा है कि ऑटो मैंने घर के लिए कर दिया है। एंजल हमारे घर पर, और एंजल का परफॉर्मेंस स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्यों एंजल? हाँ। एंजल का तो पढ़ा क्यों नहीं था? मैंने सब पढ़ा के पहुंचाया था ना आपको। हाँ। फिर क्यों नहीं बना आपसे? दीज और दोस्त मम्मा ने पढ़ाया था ना आपको। अरे मुझे आता था। फिर छोड़ा क्यों? अरे छोड़ा नहीं था, वो मैंने देखा नहीं था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ना। सो गाइस एंजल का परफॉर्मेंस अच्छा था, इतना बुरा नहीं था, अच्छे मार्क्स लेकर आई है। आउट ऑफ 25 मार्क्स थे, तो लगभग सारे सब्जेक्ट में उसको 20 की रो में मार्क्स मिले, लाइक 21, 23, 24। और फर्स्ट टर्म था अभी और फर्स्ट टाइम था एंजल का, तो ठीक है क्योंकि 6 महीने से लगभग जब से आर्यन हुआ है, एंड में 9 मंथ में थी तब से ही एंजल की पढ़ाई छूटी हुई है। जनवरी के टाइम से उसके एनुअल एग्ज़ाम्स को तो मैंने उसकी ट्यूशन वाली टीचर के ऊपर छोड़ दिया था, तो उन्होंने उसकी प्रिपरेशन करवा दी थी और एनुअल एग्ज़ाम्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए थे। देन उसके बाद मैंने उसको पढ़ाया ही नहीं आर्यन की वजह से, क्योंकि मैं जैसे समर वेकेशन में बच्चों को थोड़ा थोड़ा बिठाते हैं, मैं बिठा ही नहीं पाई थी। अभी की बात होती है कि बच्चा अगर छोटा होता है घर में तो बड़े बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अभी भी हमारा आरू बेबी आ गया है और रो रहा है। आरू बेबी जल्दी 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 जल्दी। तो बस अब आर्यन को आ रही है नींद, घर आ गए हैं। एंजल को खिलाती हूँ मैं खाना वाना, मैं तो खा कर गई थी क्योंकि नाश्ता मैंने जस्ट ही किया था, 10:30 बजे के टाइम पर मैंने नाश्ता किया था। और आर्यन को बहुत तेज़ नींद आ रही है जिसकी वजह से वह रो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। तो चलिए गाइस आज मेरे रखे हुए कपड़े आयरन करने के लिए, तो इसको मैं बस अभी चेंज वेंज करके जल्दी से ये वाले रूम को क्लीन करूँगी, आयरनिंग करूँगी, एंजल को फटाफट रेडी कराऊँगी। और अरू बीबी, हाय अरू, हाय अरू, अरू के नाम से सुनता है। तो चलिए गाइस बस बच्चों के साथ में अब बिजी रहते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस मेरी आयरनिंग डन हो गई है और आर्यन इतना ज़्यादा रो रहा था ना, तो मुझे जल्दी जल्दी प्रेस करनी पड़ी है। और प्रेस करने के बाद में तो ये रहे मेरे कपड़े जो मैंने आयरनिंग की थी अभी, जो यहाँ पर फैले पड़े हुए थे। बस फटाफट से आयरनिंग मेरी हो गई है और एंजल है हमारी यहाँ पर होमवर्क कर रही है। एंजल ने अभी लंच नहीं किया है, एक्चुअली अभी बज रहा है 2, तो अब गाइस जा रही हूँ शावर लेने के लिए। शावर लेकर आती हूँ फिर जल्दी जल्दी मुझे लंच तैयार करना है एंजल के लिए और अपने लिए, और अरे बेबी तो खाएगा सैड लेग्स अभी, तो क्योंकि आर्यन 6 मंथ का हो गया है तो बस मैंने अब उसके लिए सैड लेग्स दलिया वगैरह सब चालू कर दिया। चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।